Hush. मशहूर जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने एक बार कहा था, रिलीजियन इज द ओपियम ऑफ द पीपल, मतलब धर्म लोगों के लिए अफीम की तरह है। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच युद्ध जैसी स्थिति 9 मई से बनी हुई है। नमस्कार, नाम है शुभम और देखना शुरू कर चुके हैं ह्यूमैनिटीज हब। इजराइल और पैलेस्टीन के झड़प के बीच की जेरूसलम में अभी तक 200 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 20 इजरायली पुलिस भी घायल हो चुके हैं। इजराइल पैलेस्टीन के साथ दशकों से संघर्ष चलती आ रही है और ताज़ा हिंसा महीनों से जारी है। किस वजह से शुरुआत हुआ ये विवाद, चलिए देखते हैं। गत रविवार को इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वी जेरूसलम से पैलेस्टीन के 7 परिवार को हटाने का आदेश जारी किया था। आदेश में इजराइल के गठन से पहले 1948 में यहूदी रिलीजियन एसोसिएशन के अधीन आने वाले घरों को खाली करने का निर्देश दिया गया था। इसका पालन करते हुए इजराइल में स्थिति शेख जर्रा नामक जगह में रहने वाले पैलेस्टीनियों को हटाकर यहूदी को बसाया जाने लगा, लेकिन पैलेस्टीन कोर्ट्स के इस आदेश से नाखुश थे। उन्होंने इसके लिए विरोध में इजराइल में जगह जगह पर आंदोलन किए। हमास एक अरबी आतंकवादी का संगठन है जिनका गाजा पट्टी में दबदबा है। सोमवार को हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल के जेरूसलम पर 300 से अधिक रॉकेट दागे। इस मामले के जवाब में इजराइल एयरफोर्स ने हमास के 150 से ज़्यादा ठिकानों को अपने निशाना बनाया। मंगलवार को इजराइल ने हमास के पॉलिटिकल विंग के ऑफिसर पर हमला करते हुए 13 मंजिल बिल्डिंग गिरा दी। माना जा रहा है कि दोनों देश के बीच इस जंग की शुरुआत रविवार 9 मई 2021 को हुई थी, किंतु इस विवाद का संबंध तकरीबन 73 साल पुराना है। देखेंगे ये विवाद का मुद्दा कहां से शुरू हुआ और ब्रिटेन का क्या रोल था इनमें। 1917 में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तभी ओटोमन साम्राज्य हारने की कगार पर था। तभी ब्रिटेन के विदेश मंत्री आर्थर बेलफोर ने कहा कि हम यहूदी को युद्ध खत्म होने के बाद पैलेस्टीन स्थापित करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इसी दौरान ब्रिटेन ने गुपचुप तरीके से एक साइक्स पिको करार किया। इसे फ्रांस और रूस के साथ किया गया है, जिसमें यह कहा गया कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद कौन सा देश किस देश पर अपना कब्जा करेगा। इस करार के तहत ब्रिटेन पैलेस्टीन को अपने हिस्से में रखा था, जबकि सीरिया जॉर्डन फ्रांस को दे दिया गया था, जबकि टर्की के कुछ इलाकों को रूस को दे दिया गया था। इसके बाद अरब देशों को ब्रिटेन ने भरोसा दिया कि युद्ध के बाद वो पैलेस्टीन को आपको दे देंगे अगर आप ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ हमारा साथ देंगे। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएन पहुंचे ये मामले, तब 1947 में यूएन में एक नया रेजोल्यूशन हुआ कि यहूदीस को अपना एक देश मिलना चाहिए, जिस पर इजराइल को समर्थक मिला। इस रेजोल्यूशन के बाद इजराइल को 2 भाग में बांट दिया गया। एक हिस्सा था यहूदी राज और एक था अरबी राज। लेकिन बड़ी समस्या थी जेरूसलम, क्योंकि यह आधी आबादी यहूदीज की थी और आधी आबादी मुस्लिमों की थी। इसलिए यूएन ने फैसला किया कि जेरूसलम को अंतर्राष्ट्रीय सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। इजराइल ने तो इसे मान लिया, परंतु पैलेस्टीन ने इसे मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि इजराइल और पैलेस्टीन ने दोनों की पवित्र स्थल थी। कुछ सालों बाद अरब देशों का इजराइल पर हमला हुआ। यह संघर्ष महज 6 दिन का था, लेकिन इसका असर आज तक नज़र आता है। 1948 के आखिर में इजराइल के अरब पड़ोसियों ने हमला कर दिया। इनकी कोशिश इजराइल को नष्ट करने की थी।
लेकिन वो नाकाम रहे। अरब और इसराइल के संघर्ष की छाया मोरक्को से लेकर पूरे खाड़ी क्षेत्र पर है। इस संघर्ष का इतिहास काफ़ी पुराना है। 14 मई 1948 को पहली यहूदी देश इसराइल की स्थापना हुई थी। यहूदी और अरबों ने एक दूसरे पर हमला शुरू कर दिया, लेकिन यहूदी के हमलों से पैलेस्टीन के पांव खड़े हो गए और हजारों लोग जान बचाने के लिए लेबनान और मिस्र की ओर रुख किए। इसराइल और इसके पड़ोसी के बीच बढ़ते तनाव का अंत युद्ध के रूप में हुआ। यह युद्ध 5 जून से 11 जून 1967 तक चला और इस दौरान मध्य पूर्व संघर्ष का स्वरूप बदल गया। इसराइल ने मिस्र को गाजा से, सीरिया को गोलान पहाड़ियों से और जॉर्डन की पश्चिमी तट और पूर्वी जेरूसलम से धकेल दिया। इसके कारण 5 लाख और फिलिस्तीनी बेघर हो गए। उसके बाद शांति समझौता हुआ, जिसमें मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात 19 नवंबर 1977 को जेरूसलम पहुँचे और उन्होंने इजरायली सांसद में भाषण दिया कि सादात इजराइल को मान्यता देने वाला पहला अरब नेता बने। अरब देशों ने मिस्र का बहिष्कार किया, लेकिन अलग से इजराइल से संधि की। 1981 में इसराइल के साथ समझौते के कारण इस्लामी चरमपंथियों ने सादात की हत्या कर दी।